हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? बड़ा ओ की मात्रा, है ना। बड़ा ओ की मात्रा कब लगाई जाती है? व्यंजन के नीचे। ओके, आज हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे पेज नंबर 20। चैप्टर 7, आज कौन सी मात्रा सीखेंगे? ऋषि की मात्रा, है ना। ऋषि की मात्रा सीखेंगे आज। वृक्ष, गृह, कृपा, कृषक, वृषभ, हृदय, है ना। इसमें प्लस करके दिया हुआ है, ये रेड रेड से दिख रहा है ना, ये कौन सी मात्रा है? ऋषि की मात्रा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सभी बच्चे क्या सीखेंगे? मात्राएं सीखेंगे। उसके बाद में मात्राएं कहाँ कहाँ लगती है तो उसको हम लोग जल्दी समझ सकते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे, पढ़कर समझिए। नृप, धृत, कृपा, सृजन, गृह, मृत, घृणा, मृदा, वृत, मातृ, हृदय, तृतीया, तृण, मृदुल, वृषभ, कृपालु, घृत, कृष, अमृत, पृथक, कृष, मृगु, कृत्रिम, मातृभूमि। ओके, तो ये ऋषि की मात्रा भी कब लगाई जाती है? ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, है ना। ऋषि का उच्चारण क्या होता है? री। क्या होता है? री होता है, है ना। हम लोग आगे पेज नंबर में पढ़ेंगे 21 में। 21 में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ो और समझो। क्या करना है यहाँ? पढ़ के समझना है। कृषक, कृषक जानते हो ना, जो यहाँ दिख रहा है ना पिक्चर में, कृषक जो खेती कमाते हैं, है ना, जो हल जोत रहा है, दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, उसी को क्या बोलते हैं? कृषक। कृषक मातृभूमि की रक्षा कर। रामू वृक्ष लगा। रामू को क्या क्या कहा गया है यहाँ पे? वृक्ष लगाने के लिए, है ना। मृदुल गृह सजा। कृषक गृह पर आया। कौन आया? कृषक। कहाँ आया? गृह पर आया, खेत में, है ना, काम करने के लिए। गृहिणी खाना बनाकर लाई। कौन खाना बना के लाती है? गृहिणी खाना बनाकर लाती है। ऋषि की कृपा से अमृत पिया। किसकी कृपा से? ऋषि की कृपा से अमृत पिया। मृग चर रहा था। कौन चर रहा था? हिरण, है ना। मृग मतलब क्या है? हिरण। मृग चर रहा था, मृग मत पकड़। मृग पर वार मत कर। किसके पर? हिरण, हिरण के, है ना। हिरण पर क्या मत कर? वार। घृत लगाकर हवन कर। घृत मतलब क्या है? घी। घी लगाकर हवन कर। कृपण उठाकर ला। धरती पर वृक्ष उगा। कहाँ पर? धरती पर वृक्ष उगा, है ना। जीव पर कृपा कर। सभी जीवों पर क्या करना है? कृपा करना है। कृपा करना चाहिए या दया करना चाहिए, है ना।
तो सभी बच्चे इसको क्या करने के लिए सीखना है, पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे अभ्यास में का नंबर, रंगीन अक्षरों पर री की मात्रा, कौन सी मात्रा, ऋषि की मात्रा, जोड़कर शब्द बनाइए। क्या करना है यहाँ, ऋषि की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है। यहाँ जो रंगीन अक्षरों में लिखा है उसमें क्या करना है, ऋषि की मात्रा लगाना है। इसमें देखो क्या है, पा में क्या लगाना है, ऋषि की मात्रा। अभी तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पृथक है ना, तो ऋषि की मात्रा लगा के यहाँ पे हमको लिखना है, तो क्या होगा, पृथक, क्या होगा, पृथक। कपान है ना, तो इसमें किस में लगेगा, ऋषि की मात्रा का में। कृपान किस में लगेगा, का में, ऋषि की मात्रा है ना, कृपान। इसमें क्या में लगेगा, ता में, तृतीय है ना। आगे देखेंगे अमृत, क्या लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे ऋषि की मात्रा नहीं है तो यहाँ अमृत गलत है ना, तो इसमें माँ में लगाएंगे ऋषि की मात्रा, तो क्या होगा, अमृत। वृषभ, वृषभ क्या को बोलते हैं, बैल को है ना, तो वा में लगेगा ऋषि की मात्रा वृषभ। इसमें किस में लगेगा, का में, नीचे नीचे लाइन में किस में लगेगा, का में। कृत्रिम, आगे देखेंगे नंबर खा में, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें साइड में दिया हुआ है, उसमें से छाट करके हमको क्या करना है, खाली स्थान में भरना है। घृत लगाकर हवन कर, घृत मतलब बताई थी ना क्या होता है, घी। घृत लगाकर हवन कर, तो इसमें दिया हुआ है भजन हवन, तो इसमें क्या लिखेंगे, हवन कर है ना। नीचे देखेंगे, गृहिणी खाना बनाकर लाई, इसमें दिया हुआ है बनाकर सजाकर, तो क्या लिखेंगे, बनाकर, गृहिणी खाना बनाकर लाई। नीचे देखेंगे, कृषक खेत में खाली स्थान चला, कृषक खेत में क्या करते हैं, क्या करते हैं, हल जोतते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कृषक खेत में क्या चला, हल चला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हल और नल, तो इसमें से जो सही है उसको खाली स्थान में भरेंगे, हल, कृषक खेत में हल चला। ओके, तो सभी बच्चों से क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मम्मी पापा के साथ में बैठकर क्या करना है, इसमें बुक में भरना है। ओके, ये आपकी घर की होमवर्क है ना, होमवर्क पूरा करना है, और पढ़ने के लिए भी छोटा छोटा वर्ड को क्या करना है, सीखना है, मात्रा लगा के कैसे पढ़ते हैं उसको है ना। तो चैप्टर 7 में आप लोग अपने बुक में और क्या में, नोट कॉपी में भी बनाना है, यही आपका घर का होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।